उदयपुर जिले के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर खोखरिया नाल सुरंग के समीप चलती रोडवेज बस पर बड़ी चट्टान गिर गई। चट्टान दो टायरों के बीच में फंस गई, जिससे बस एक जगह पर ही जाम हो गई और बस में बैठे सवारियों के होश उड़ गए। मिली जानकारी के अनुसार सिरोही रोडवेज डिपो की रोडवेज बस करीब 40 सवारियों को लेकर उदयपुर से सिरोही जा रही थी, तभी चट्टान गिर गई। बस में बैठे सवारी इतने घबरा गए कि सवारियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई और सवारियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। गनीमत रही कि चट्टान बस पर नहीं गिरी और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। सूचना पर बेकरिया थाना अधिकारी मुकेश कुमार जाट व हाईवे पेट्रोलिंग टीम के भगवत सिंह ज्वाला मौके पर पहुंचे और सवारियों को दूसरी रोडवेज बस से गंतव्य स्थान तक पहुंचाया। वहीं आपको बता दें कि सावन के बाद भादों भी जमकर बरस रहा है, जिसके चलते गोगुंदा की चोर बावड़ी से लेकर देवला तक पहाड़ियों में से मलबा व चट्टाने गिरने का दौर जारी है। अगर आप उदयपुर पिंडवाड़ा रोड पर सफर कर रहे हैं तो अपनी गाड़ी व अपनी जान की सलामती के लिए सही तरफा रोड का ही चयन करें।